नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट जेड बार। फर्स्ट इज कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज जेड इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल देखिए, If suppose z is equal to 2 plus 3i, so what we get? Z bar is equal to 2 minus 3i. अब इसका फिर से भी कॉन्जुगेट लें, this implies z bar का bar is equal to 2 plus 3i, which is equal to z itself. तो ये first property का example समझ में आता है, ठीक है? General proof होते हैं, अभी हमको केवल properties discuss करने हैं। ये प्रॉपर्टीज यूज भी करनी होती है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज द नंबर इटसेल्फ, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट यदि इक्वल हो तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। 2 प्लस आई, यदि ये जेड है और इसका जेड बार ले तो 2 माइनस आई, ये दोनों तो इक्वल दिख नहीं रहे हैं। तो इक्वल कब हो सकते हैं? जब दोनों के इमेजिनरी पार्ट हो ही नहीं, तभी उसका साइन चेंज करने के बाद में भी सेम होगा। 2 प्लस 0 आए और z बार इज इक्वल टू 2 माइनस 0 आए। अब ये दिस मीन्स 2, दिस मीन्स 2, तो इसी केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। सो इफ z इक्वल टू z बार, देन z इज प्योरली रियल नंबर। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इट्स कॉन्जुगेट कब? When z is real number, the complex number is real number. Second property. Third property, if z equal to minus z bar, ले लेते हैं कोई number, यदि इसी की बात करते हैं, ये z है, ये z bar, तो minus z bar बोल रहे, तो पहले तो इसका minus z find करते, minus z मतलब minus 1 से multiply करना है, minus 2 minus है, अब इसका conjugate, minus z bar का माइनस जेड बार का वैल्यू माइनस टू प्लस आई, ये तो इक्वल नहीं है, ये जेड के बराबर नहीं है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? देखो डिफरेंस कहां दिख रहा है हमको, रियल पार्ट में, यहां टू है यहां माइनस टू है, तो दोनों इक्वल कब हो गए? जेड और माइनस जेड बार, जब रियल पार्ट मिसिंग होगा, रियल पार्ट जीरो होगा, तब दोनों इक्वल हो गए। टेक जेड इज इक्वल टू 3i, तो दिस इंप्लाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 3i एंड माइनस जेड का बार इज इक्वल टू प्लस 3i व्हिच इज इक्वल टू जेड। तो ये सिचुएशन होने के लिए क्या समझ में आ रहा है? जेड मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो व्हेन जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार, देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हमने एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, तो उनको हम टाइटल वाइज कंसीडर करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे रियल नंबर में होता था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। सिमिलरली इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन z1 प्लस z2 इज सेम एज z2 प्लस z1, ऑर्डर चेंज हो सकता है। Similarly, z1 into z2 is equal to z2 into z1. ये दोनों प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी, सब्ट्रैक्शन और डिविजन के लिए नहीं। Then, associative property. तीन एलिमेंट का एडिशन यदि करना होती है रियल नंबर का या मल्टीप्लीकेशन करना, तो associative property true होती है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी यदि z1, z2, z3, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन z1 प्लस z2 प्लस z3, तो ब्रैकेट शिफ्ट होके पहले दो बार आ सकता है z1 प्लस z2 प्लस z3, एंड फॉर मल्टीप्लिकेशन इट इज z1 इनटू z2 इनटू z3 इज सेम एज z1 इनटू z2 इनटू z3। पॉज कहां ले रहे उससे समझ में आता है कि कौन सी दो टर्म ब्रैकेट में है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। Then identity property, identity element मतलब ऐसा element जिसको
किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो वही रियल नंबर मिले। अभी तक हमने रियल नंबर के बारे में बात की थी, तो एडिशन के लिए कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसको ऐड करने पर वही रियल नंबर मिले, तो वो होता था जीरो। सिमिलरली हियर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को, दिस जीरो मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ यदि ऐड करें तो वी गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। अब वो ऐड लेफ्ट से करें या राइट से करें, तो दिस जीरो इज कॉल्ड जीरो एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर वही मिले, तो दैट इज वन एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वन प्लस जीरो है। तो जब इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या राइट से मल्टीप्लाई करो, तो वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी भी कहलाता है, वन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। Then conjugate property for all the four operations, दो complex number का addition हो और उसका conjugate लेना हो तो it is same as conjugate of z1 plus conjugate of z2। Similarly for subtraction, similarly for multiplication, and conjugate of z1 upon z2 is equal to z1 का conjugate upon z2 का conjugate। जब हम divide की बात कर रहे हैं तो denominator should not be zero। तो इस तरह से दीज आर द प्रॉपर्टीज फॉर कॉन्जुगेट और सभी के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए ये होल्ड होती है, ट्रू है। और कुछ प्रॉपर्टी है उसको हम ये टाइटल के साथ ले लेते, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इफ जेड इज इक्वल टू से एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z bar is equal to x minus i y, complex conjugate बन गया। अब देखिए number one, z plus z bar number और उसका conjugate यदि add करते हैं तो इसको हम बोल सकते हैं properties for number and its conjugate, complex number and its conjugate। तो z plus z bar क्या होगा, दोनों को add कर लेते हैं, x plus i y plus x minus i y, प्लस आई वाई माइनस आई वाई गया टू टाइम्स एक्स। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स फॉर जेड इज रियल नंबर ऑफ जेड, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड। तो एक प्रॉपर्टी मिलती है जेड प्लस जेड बार इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, नंबर और उसका कॉन्जुगेट यदि एड करें तो रिजल्ट इज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड z माइनस z बार, एक तरह से इनके प्रूफ भी है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर लें इनको। z माइनस z बार रखो x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई, ब्रैकेट ओपन करो x प्लस आई वाई माइनस x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू x माइनस x, जीरो हो गया टू आई वाई। व्हाट इज y, y फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो दिस कैन बी रिटन एज 2y टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, केवल y के लिए y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सो देयरफॉर प्रॉपर्टी बिकम्स z माइनस z बार इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जब सब्ट्रैक्ट करें नंबर और उसके कॉन्जुगेट को, अब जब हम नंबर की बात कर रहे हैं तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रिजल्ट इज 2i इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें मल्टीप्लिकेशन की, z इनटू z बार, z इनटू z बार रखो x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला एप्लीकेबल होते दिखता है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई का स्क्वायर माइनस वन और माइनस सामने है तो प्लस बन गया, तो देयरफॉर जेड इनटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब यदि इसको लिखना चाहे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। तो ये बन जाती है
प्रॉपर्टी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन इज रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. नेक्स्ट आर्टिकल इज पावर्स ऑफ आई. वी हैव इमेजिनरी यूनिट, वी हैव आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन. तो आई का वैल्यू अंडर रूट ऑफ माइनस वन है, तो देन आई स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट का स्क्वायर, तो दैट विल बी माइनस वन. आई क्यूब, तो आई इंटू आई स्क्वायर आई इंटू माइनस वन यानी माइनस आई हो गया. आई पावर फोर, तो इसको हम आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं. आई स्क्वायर का स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन. आई का पावर फाइव, तो आई इंटू आई पावर फोर लिखा जा सकता है. आई इंटू आई पावर फोर की वैल्यू वन दिख रही है, तो ये आ गया आई. आई पावर सिक्स, अब आई पावर सिक्स को लिखने के बहुत तरीके हो सकते हैं. तो हम आई स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, वो ज्यादा आसान होगा. आई स्क्वायर का क्यूब, या फिर आई स्क्वायर इंटू आई पावर फोर कर सकते हैं. सिक्स को एक्सप्रेस करने के कई तरीके हो सकते हैं, हम ये यूज कर लेते हैं. आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, इसका क्यूब माइनस वन का क्यूब आ गया माइनस वन. आई पावर सेवन, तो आई इंटू आई पावर सिक्स ऐसा लिखा जा सकता है. आई आई पावर सिक्स इज माइनस वन, तो प्रोडक्ट हो गया माइनस आई. आई पावर एट, आई पावर एट को आई पावर फोर का स्क्वायर बोला जा सकता है. आई पावर फोर का स्क्वायर, आई पावर फोर की वैल्यू है वन, तो वन का स्क्वायर इज वन. आई पावर नाइन, उसको आई इंटू आई पावर एट लिखा जा सकता है. आई इंटू आई पावर एट इज वन, तो विच इज इक्वल टू आई. ऐसा हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे. इसमें कुछ पैटर्न नजर आता है क्या, वो देखते हैं. आई का पावर वन इज सपोज आई, आई का पावर वन, आई का पावर वन इज आई, ठीक है. पावर टू में क्या हुआ, माइनस वन यानी आई माइनस वन, पावर थ्री में माइनस आई और पावर फोर में वन. फिर जब पावर फाइव की बात आई तो फिर से आई, पावर सिक्स में माइनस वन, पावर सेवन में माइनस आई, पावर एट में वन. मतलब ये जो सेट था फोर वैल्यू का, ये फोर वैल्यू का सेट रिपीट हो गया. आई पावर नाइन फिर से आया आ गया. आई पावर टेन यदि कैलकुलेट किया तो बोलो वैल्यू क्या आएगी. आई पावर टेन, आई पावर नाइन फाइंड किया, आई पावर टेन की वैल्यू क्या आएगी, ये रिपीट होती है माइनस वन. आई पावर इलेवन क्या होगा, माइनस आई. आई पावर ट्वेल्व, व्हाट विल बी आई पावर ट्वेल्व, वन. तो ये फिर से चार वैल्यू रिपीट हो गए. तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं. कैसे, यदि मान लो आई का पावर एन हो, आई का पावर एन हो, तो इस एन को हम फोर से डिवाइड कर दें, एन को फोर से डिवाइड कर दें और कोशेंट मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा डिवीजन एल्गोरिथम से. तो सपोज कोशेंट इज क्यू और रिमाइंडर इज आर, नेचुरली जो रिमाइंडर होगा वो डीवी डिवाइजर से कम होगा. मतलब ये या तो जीरो हो सकता है, या वन हो सकता है, या टू हो सकता है, या फोर हो सकता है. तो डिवीजन एल्गोरिथम से डिवाइड करने के बाद में दिस एन कैन बी रिटन एज फोर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर. इसको यहां रख देते हैं, तो आई एन को लिखा फोर टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब इंडाइसेस रूल लगाकर दिस कैन बी रिटन एज आई पावर फोर क्यू इंटू आई पावर आर. आई पावर फोर क्यू कैन बी रिटन एज आई पावर फोर का पावर क्यू इंटू आई का पावर आर. नाउ व्हाट इज आई पावर फोर, आई पावर फोर इज वन, तो दिस इज वन का पावर क्यू इंटू आई का पावर आर. सिंस आई पावर फोर इज वन, वन का पावर कोई भी फाइनाइट नंबर हो तो वन ही आ जाएगा, वन इंटू आई पावर आर, तो दैट इज इक्वल टू आई पावर आर. तो फॉर्मूला मिल गया, आई पावर एन कोई भी नंबर यदि हो तो इसको हम एक्सप्रेस करें फोर
quotient plus remainder के फॉर्म में and which is equal to I power remainder. ये मिल गया फॉर्मूला. ये कहां से आया? तो n को 4 से डिवाइड करने पर कुछ quotient मिलेगा, कुछ remainder मिलेगा. तो n can be written as 4q plus r by division algorithm. अब इसके example, इसकी हेल्प से कुछ evaluate करते हैं direct value. I power 80 को 4 से डिवाइड करो. 80 को 4 ओरल भी कर सकते. 80 को 4 से डिवाइड करो. क्वेश्चन आ गया 4 2 जा 8 0 0 0 जा इज 0 20 4 जा 80. तो दिस इज I power 4 टाइम्स 20 प्लस रिमाइंडर इज 0 व्हिच इज इक्वल टू I power 4. और डायरेक्ट लिख सकते हैं ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके I power 0. And what is I power 0? This is not equal to 0. So A power 0, law of indices, gives 1. I power 80 is equal to 1. I power 100. 4 से complete divide होगा. 25 times 4. तो 100 can be written as 4 times 25 plus 0, which is equal to I power 0, is 1. तो जब भी नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर विल बी 0, I power 0 विल बी 1. कुछ दूसरे नंबर लेते हैं. I power 37. 4 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 times 9. 9 4 तो 36 plus 1 quotient is 9, remainder is 1, तो this will be I power 1 which is equal to I. मतलब इस pattern से पूरा पूरा 39 तक जाने की जरूरत नहीं. ये formula apply करेंगे और I का कोई भी power यदि हो तो वो evaluate किया जा सकता है. और देखो कुछ I power 29 4 से divide करो. I power कितने complete division का 7 4 जा 28 plus 1, तो this is equal to remainder is 1, I power 1 is equal to I. तो जब भी remainder 1 होगा तो result will be I power remainder 1 and answer is I. और कुछ example देखते हैं. ये examples भी discuss कर लेते हैं. I power 42, तो 4 से divide किया तो 4 tens of 40 plus 2 remainder आ जाएगा 2. I power 4 into 10 plus 2, तो that is equal to I का square and I square की value is minus 1. तो answer आ गया I power 42 is minus 1. I power 26 करो, 4 से divide करो 26 को. 6 times जाएगा, 6 4 जा 24. 4 times 6 24 plus 2 26 हो गया. तो that is equal to I का square which is equal to minus 1. Then I power 15, तो 4 से divide करो. remainder हमेशा 4 से छोटा होना चाहिए. इसको I power 4 plus 12 ऐसा नहीं लिख सकेंगे. remainder छोटा होना चाहिए, इस form में लिखना है. 4 times quotient plus remainder, तो 4 से divide करने पर 4 3 is 12 plus remainder will be 3. तो this is I power 4 times 3 plus 3. डिवाइड कीजिए उसको, 4 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन इज 3, रिमाइंडर इज 3. तो दैट इज इक्वल टू I का क्यूब एंड I का क्यूब इज इक्वल टू माइनस I. ये चार वैल्यू याद रखिएगा. ये चार वैल्यू याद रखने के बाद में कोई भी पावर इवैल्यूएट किया जा सकता है. I पावर 59, 59 को 4 से डिवाइड करो. 59 को 4 से डिवाइड करो. 4 1 जा 4 1, वो 9 को ले लेते नीचे. 4 4 जा 16, रिमाइंडर इज 3. तो I पावर 59 कैन बी रिटन एज I पावर 4 इनटू 14 प्लस रिमाइंडर इज 3. That is equal to I power 3 which is equal to minus I. तो हमने सभी दो दो प्रॉब्लम लिए. remainder 0 वाले दो, remainder 1 के दो प्रॉब्लम, remainder 2 के दो प्रॉब्लम और remainder 3 के दो प्रॉब्लम्स.
तो इनसे ये जो फॉर्मूला है ये कैसे यूज होता है ये समझा होगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।